सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में 10 गायें कवर कर रहे हैं, जिसमें से ब्याई हुई और प्रेग्नेंट गायें हैं। तो इनके एक एक करके आपको डिटेल दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इनकी पूरी डिटेल जानिए। तो अपने इस वीडियो के थ्रू अगर कोई भाई इस वीडियो में पहली बार है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास ही घंटे वाले बटन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि एक आने वाले अच्छे गोधन का वीडियो आप तक पहुँचे और एक आप अच्छे से अच्छे गोधन का चुनाव कर सकें। तो इनके एक एक करके आपको डिटेल शुरू करते हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें, तो इनकी पूरी डिटेल साझा करेंगे हम। तो अभी ये एक नंबर पे जो गायें दिख रही है, इसको ब्याई को आज 6 दिन कंप्लीट हो गए। मिल्क कैपेसिटी 16 लीटर, पीछे फीमेल का ब्याई हुई है, बछड़ी है नीचे। कीमत इस गाय के लिए 42,000 डिमांड की गई है। अच्छी ऑर्डर क्वालिटी है, देख सकते हो। और अभी इस गाय के लिए 15 लीटर दूध रेडी है, 16 लीटर दूध की कैपेसिटी बताई जा रही है। 6 दिन हो गए कम्प्लीट ब्याई को। ये जो एक ब्लैक गदरी भी आपके सामने दिखाई जा रही है, अभी इसको ब्याने में 25 दिन बाकी है। ब्याने में बड़ी नाभी, भारी गलकंबल, एवरेज साइज का हम्प है, बिना सिंगों में लंबे चौड़े कान, अच्छे पीठ पुट्ठे का स्लोप है। अभी ब्याने में 25 दिन ले जाएगी। अच्छी नाभी का शेप है गाय में, कलर पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत गाय में, देख पा रहे हो आप। और ये कीमत इस गाय के लिए 28,000 रुपये रखी गई है, बड़ी नाभी है गाय में। ये आपको तीसरे नंबर पे गायें दिखा रहे हैं, ब्याई हुई है, पीछे बछड़ी फीमेल काफ, बड़ा हम्प, डब्ल्यू शेप की नाभी, भारी गलकंबल, छोटे सींग, लैट माथा, लंबे चौड़े कान, एवरेज साइज की पूंछ, गुच्छेदार, अच्छे पिट्ठे का स्लोप है, पीछे फीमेल काफ, बछड़ी है इस गाय के। इस गाय के लिए कीमत 36,000 रुपये डिमांड की गई है। फीमेल काफ वाली मिल्क कैपेसिटी 14-15 लीटर है गाय की। चौथे नंबर पर आपको श्यामा गायें दिखाई जा रही है, थार फार कर, ये ब्याई हुई है गायें, और नीचे इसके बछड़ा है, बड़ा हम्प है गाय में, एवरेज साइज की नाभी, पतला गलकंबल, छोटे करवली सिंग, फ्लैट माथा, अच्छी गुच्छेदार पूंछ, मिल्क कैपेसिटी 13-14 लीटर। गाय के लिए कीमत 22,000 डिमांड की गई है। थनों में स्पेस बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी ऑर्डर क्वालिटी की है। अभी इस ब्याई को गाय को 5 दिन कम्प्लीट हो गए हैं, मिल्क अभी 13 लीटर तैयार है, तो उम्मीद है 14-15 लीटर तक भी जाएगी, सेकेंड बार की है गायें। तो अभी आपको पाँचवें नंबर पे जो गायें दिखाई जा रही है, थार फार कर, बिना सिंगों में, बड़ा हम्प है, एवरेज साइज की नाभी, भारी गड़कंबल, अच्छी हाइट लेंथ में है, लंबे चौड़े कान है, मिल्क कैपेसिटी 16 लीटर बताई जा रही है इस गायें की। अभी ब्याने में इसको 15 दिन बाकी है, तो अभी अडर और भी ग्रोथ करेगा इस गाय में, स्पेस बहुत ही खूबसूरत है थनों में, बहुत ही खूबसूरत गाय। कीमत इस गाय के लिए 40,000 रुपये इस गाय के लिए, अच्छी खूबसूरत गाय है ये। और ये आपको जो छठे नंबर पे गाय दिखाई जा रही है, ब्याई हुई है, फीमेल काफ है पीछे, बड़ा हम्प है, पतला गलकंबल है, एवरेज साइज की नाभी, अच्छी गुच्छेदार पूंछ, करवली हुई सींग, फ्लैट माथा, बड़ी गुच्छेदार पूंछ है इस गाय में। कीमत इस गाय के लिए 45,000 रुपये रखी गई है दोस्तों, बड़ा ऑर्डर है, मिल्क कैपेसिटी 16 लीटर। और ये सातवें नंबर पे जो गाय दिखाई जा रही है आपको, एक महीना ब्याने में, बड़ा हम्प, पतला गलकंबल, एवरेज साइज की नाभी, अच्छी गुच्छेदार लंबी पूंछ, अच्छी कदकाठी की, पीठ पुट्ठे का स्लोप बहुत ही खूबसूरत है। इस गाय के लिए कीमत 25,000 रुपये रखी गई है थार पार्कर के लिए। और ये आपको एक बछड़ी दिखाई जा रही है जो कि 3 महीने की प्रेग्नेंट, डब्ल्यू शेप में नाभी, भारी गलकंबल, छोटे सींग, बड़ा हम्प, अच्छे हाइट लेंथ में, गुच्छेदार पूंछ। और अभी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी चेक करवा के देंगे। तो इस गाय के लिए कीमत 20,000 रुपये रखी गई है। और एक ये आपको साहिवाल में दिखाई जा रही है, डार्क कलर है। इस गाय की अभी नीचे 10 लीटर दूध रेडी है, पीछे बछड़ा है, बड़ी नाभी है गाय में, भारी गलकंबल है, बड़ा हम्प है, और मिल्क कैपेसिटी 10-12 लीटर। कीमत इस गाय के लिए 22,000 रुपये रखी गई है, बड़ी पूंछ है। और एक ये के साहिवाल गाय, फर्स्ट बार इसने बछड़े को जन्म दिया है, मिल्क कैपेसिटी 10-11 लीटर, छोटे करवली हुए सींग, बड़ा हम्प, भारी गलकंबल, नाभी का शेप बहुत ही खूबसूरत, अडर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, फर्स्ट बांत ब्यांत की है, फ्लैट माथा। तो इस गाय के लिए कीमत भी 22,000 रुपये रखी गई है दोस्तों। तो आपको इनमें से कौन सी गाय सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय गो माता, जय गोपाल।